95,000 नगद समेत भारी मात्रा में जेवर के साथ तीन चोर और सुनार हुए गिरफ्तार। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बालूमाथ से, जहां बालूमाथ थाना क्षेत्र में चोरी कर आतंक मचाने वाले तीन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार चोरों में चंदवा के सेरक निवासी सुमी लाल उड़ा, गौतम कुमार के अलावा वनहरदी निवासी गुड्डू कुमार सिंह शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने इन चोरों से जेवर की खरीदारी करने वाले बालूमाथ निवासी सोनार सागर सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 95,000 रुपए नगद, एक काला रंग का मोबाइल, चांदी के पांच जोड़े पायल, एक ब्रेसलेट, चांदी की एक चैन, एक मंगलसूत्र, सोना और एक जोड़ा झुमका और एक जोड़ी बाला बरामद किया। बता दें आपको कि लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जिले की बालूमाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेताक गांव निवासी खुशबू पांडे ने थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी। अज्ञात चोरों ने उसके घर में घुसकर चोरी कर ली, जहां मामले की छानबीन के लिए बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मामले की छानबीन के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर गिरोह के सरगना सुमीलाल उरांव को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर दो अन्य चोरों को गिरफ्तार किया गया। आगे की पूछताछ के दौरान सभी चोरों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बालूमाथ से प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट, R9 भारत। ये बालूमाथ को खुशबू पांडे जी हैं, जो एक वन रक्षी की पत्नी है, उनके घर से 20 तारीख को इस महीने के चोरी की वारदात की रिपोर्टिंग केस दर्ज किया गया और अनुसंधान में पाया गया कि सेरक के दो लड़के सेरक में रहने वाले दो लड़कों एक अपना एक सहयोगी कुटू के साथ इस घर में चोरी किया। तो इन लोगों ने पहले एक साजिश रची और शादी में कार्ड बांटने के का एक तरह से छद्म बना कर दिया और पहले घर का ताला तोड़ा, उसके बाद घर में घुस करके और उसके अंदर अलमारी को तोड़ा और वहाँ से जवाहरात और नकदी कैश ये सारा कुछ इन लोगों ने चोरी किया। काफ़ी मात्रा में करीब 95,000 के आसपास कैश तो हम लोगों को उनके घर से बरामद हुआ है, बाकी कुछ बैंक में रखा है तो हम लोग उसकी कार्रवाई आगे करेंगे। कुछ ज्वेलरी हम लोगों के उनके घर से बरामद हुआ और कुछ ज्वेलरी इन लोगों ने बालूमाथ के ही एक ज्वेलर को बेच दिया, जिसने इसको बाद में गला करके कन्वर्ट करके दूसरा ज्वेलरी बनाया, तो उसकी भी बरामदगी हो गई है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से एक पूरा गिरोह के रूप में काम करता था, जो पहले रेकी करता था कि किस घर में ताला बंद है और उसके बाद अपने साथी को रड लेकर के या बाकी इक्विपमेंट लेके बुलाता था, घर का ताला तोड़ता था। तो एक गृह भेदन के साथ चोरी पूरा रात को हुआ है, रात में 1-1.30 बजे के आसपास ये लोग उस घर का ताला तोड़ के घुसे। तो इसमें बालूमाथ की टीम की तरफ से ये अनुसंधान में जितने भी लोग इसमें थे शामिल, उन सबकी गिरफ्तारी कर ली गई।